गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1E, क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स. ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 10 इन योर बुक. व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 893455 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 235. देखिए क्वेश्चन सिंपल है, आराम से समझिएगा. व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 893455 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर, यानी जो रिजल्ट आया आपका वो क्या हो, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 235. जो रिजल्टिंग नंबर आया वो क्या हो, वो 235 से फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए गिवन नंबर आपके पास है 893455. ये गिवन नंबर है, डिवाइजर क्या है 235, यानी 235 से वो फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए. लेकिन जो गिवन नंबर है वो फुल्ली डिविजिबल नहीं है. ठीक है, गिवन नंबर फुल्ली डिविजिबल नहीं है, तो हमें ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि हम इस नंबर में ऐड कर दें कि वो 235 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या लेस है, क्या कम है, कितना नंबर लेस है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यानी गिवन नंबर को डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना लेस है, अभी कितना और चाहिए. तो डिवाइड करेंगे हम 235 से, तो डिवाइड करेंगे 3 times 705, फिर कैलकुलेट करेंगे पूरा ओवरऑल. तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है आपका 220. अब ध्यान से देखिए बेटा, रिमाइंडर आपके पास बचा कितना 220, और डिवाइजर कितना आपका 235. देखिए अगर यहाँ पे 235 होता तो तू ये पूरा सॉल्व हो जाता, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, हमारा रिमाइंडर जीरो मिल जाता. लेकिन ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बचा है, और कंपेयर जो हमने किया डिवाइजर से तो आप देखेंगे कितना कम है, कितना लेस है. ठीक है, क्यों चेक कर रही है, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है. देखिए पूरा डिवाइड करना है, अब पूरा डिविजिबल करने, पूरा डिविजिबल सॉल्व करने के लिए डिविजन प्रॉब्लम हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर जीरो चाहिए. तो इसको करने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि कितना लेस है हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से. तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, नहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमाइंडर को डिवाइजर से. एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर फ्रॉम डिवाइजर वी गेट, हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम डिवाइजर. डिवाइजर से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना अभी और नंबर, यानी कौन सा लिस्ट नंबर अभी चाहिए हमें इसमें ऐड करने के लिए. तो हम जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15, वी विल गेट 15. दैट मीन्स कि 15 जो है वही लिस्ट नंबर है जो कि हम अगर हम ऐड कर दें गिवन नंबर में, तो ये जो गिवन नंबर है वो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा 235 से. क्लियर, हम इसलिए रिमाइंडर को माइनस करें डिवाइजर से ताकि हमें वो लीस्ट नंबर मिल जाए. ओके, लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम डिवाइजर से. ठीक है, सो वी विल गेट आवर लीस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर. तो हमें अपना रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर मिल जाएगा. तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 15. हम क्या करेंगे, 15 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा. क्लियर, ओके. नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 739499 सो दैट द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 418. देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों देखिएगा, दोनों सेम था. हमें क्या फाइंड करना था, लीस्ट नंबर फाइंड करना था. ओके, 10 में हमें क्या करना था, हमें लिस्ट नंबर फाइंड करना था. व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, यानी कि क्या लिस्ट नंबर ऐड हो जाए इन क्वेश्चन नंबर 10. बट इन क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या लिस्ट नंबर जो है सब्ट्रैक्ट किया जाए गिवेन नंबर में से, जो भी नंबर आपका गिवेन है उसमें से क्या लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए ताकि जो गिवेन नंबर है वो 418 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए. सी ऑन द बोर्ड, गिवन नंबर इज 739499, ये आपका गिवन नंबर है, डिवाइजर इज 418. सेम प्रोसेस करेंगे जैसा हमने अभी 10 में किया था, डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को. डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा डिवीजन सम करने के बाद ये हमारा रिमाइंडर आएगा 161. अब देखिए क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया है गिवन नंबर में से सो दैट द गिवन नंबर इज फुल्ली डिविजिबल बाय 418, ताकि जो गिवन नंबर है वो 418 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए. तो अब जो रिमाइंडर आया आपका वही रिमाइंडर अगर हम गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हमारा रिमाइंडर आया है
और ये रिमाइंडर अगर हम गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम फाइंड आउट कर लेंगे वो जो नंबर है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो भी नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे वो 418 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यही रिमाइंडर है और हमें क्या चाहिए फुल ऑन जब डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर जीरो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 161 है। तो हम क्या करेंगे, जब हम 161 को गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वो नंबर मिल जाएगा जो कि 418 से फुल्ली डिविजिबल हो। सो व्हाट वी गेट द लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। तो यही वो लीस्ट नंबर है जो कि गिवन नंबर में से क्या हो, सब्ट्रैक्ट हो। देखिए सब्ट्रैक्शन की बात कहा था इसमें, इसीलिए डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला था आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, ऐड करना था, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में डिवाइड किए थे फिर सब्ट्रैक्ट किए थे, लीस्ट नंबर फाइंड करने के, जो कि गिवन नंबर में ऐड हो, जो कि गिवन नंबर में ऐड हो, इसलिए हमने डिवाइजर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया था, फिर जो आया था वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। लेकिन इस क्वेश्चन में जिसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट क्या करना है लिस्ट नंबर, तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी कि वही ये लिस्ट नंबर है जो कि हम गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 जो है, विदाउट मल्टीप्लाइंग राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, बिना मल्टीप्लाई किए, मतलब इधर बोर्ड पर किए हुए इस तरीके से हमें क्या राइट करना है, आंसर बिना मल्टीप्लाई किए। तो देखिए कैसे करते हैं बिना मल्टीप्लाई किए। नाउ लुक हियर, हमें क्या फाइंड करना है बिना मल्टीप्लाई के आंसर। तो देखिए बोर्ड पे 46348 मल्टीप्लाइड बाई 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। देखिए मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 ही है ना, तो जो गिवन यानी जो नंबर गिवन है मल्टीप्लाई करना, इसको हम राइट कर लेंगे 46348। अब 1000 से मल्टीप्लाई करा, चेक करेंगे कितना जीरो है, 1 2 3 3 0 है, हम क्या करेंगे 30 आगे बढ़ा देंगे, ये आपका हो गया आंसर, मतलब बिना मल्टीप्लाई के हमने आंसर राइट कर लिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट 12 है, 12 राइट कर लेंगे, अब काउंट करेंगे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 50 आप ऐसे आगे लगा देंगे, तो बिना मल्टीप्लाई के आपका आंसर आ गया। ये जीरो के केस में ही होगा ऐसा बेटा, इसलिए ये आपको इस तरीके का और भी प्रॉब्लम दिया है बुक में, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बोर्ड पे है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें फाइंड करना है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। नाउ सी हियर, 64341 डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करना है, फाइंड आउट करेंगे, देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 3 0 है, राइट साइड से काउंट करेंगे 30 और राइट साइड से काउंट करेंगे इस नंबर में भी 1 2 3 और 3 डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए जितना हमने जीरो काउंट कर लिया वो क्या हो गया, वो आपका रिमाइंडर हो गया, और जितना ये बचा हुआ है 64 ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन इज 64 एंड रिमाइंडर इज 341, क्वेश्चन इज 64 एंड रिमाइंडर इज 341। एंड नाउ सी द नेक्स्ट, इसमें देखेंगे कितना जीरो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 0। ओके, राइट हैंड साइड से इधर भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 0 और यहाँ लगा देंगे डेसिमल। अब देखिए यहाँ भी तो पूरा डिजिट जो है वो रिमाइंडर में आ गया, इधर क्या है, कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, तो हम क्या राइट करेंगे, जीरो। तो आपका क्वेश्चन इज जीरो एंड रिमाइंडर इज 100100। तो इस तरीके से आप बिना डिवाइड किए फाइंड आउट करेंगे कि क्वेश्चन क्या है एंड रिमाइंडर क्या है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन वन अ लॉटरी ऑफ रुपीज 15 लाख, 15 लाख की लॉटरी है, ऑफ विच ही मेड अ फिक्स डिपॉजिट, और उसने फिक्स डिपॉजिट किया 56001 रुपी का, रेस्ट ऑफ द मनी ही डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग हिज 3 sons एंड रेस्ट ऑफ द मनी, और जो मनी रेस्ट है यानी जो बचा है मनी, लेफ्ट मनी है, उसको अपने 3 sons में डिवाइड कर दिया, 3 sons में डिवाइड कर दिया। वॉट अमाउंट डिड ईच सन गेट, और हमें फाइंड करना है कि ईच यानी एक सन को, वन सन को कितना अमाउंट मिला,
कितना अमाउंट मिला, वी हैव टू फाइंड अमाउंट रिसीव्ड बाई ईच सन। देखिए सिंपल है, टोटल अमाउंट कितना है 15 लाख, टोटल अमाउंट है 15 लाख। ओके ऑब्वियसली मेड अ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितने का है 56,001 रुपी, ये फिक्स डिपॉजिट है। अब हम क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट जितना है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द टोटल मनी, टोटल मनी में से हम फिक्स डिपॉजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें रिमेनिंग अमाउंट मिल जाए, यानी फिक्स डिपॉजिट कर दिए, फिक्स डिपॉजिट करने के बाद हमारे पास कितना लेफ्ट है, कितना लेफ्ट मनी है उसको फाइंड करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल मनी में से फिक्स डिपॉजिट मनी को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना हमारे पास रिमेनिंग मनी है। अब उस रिमेनिंग मनी को हम क्या करेंगे, 3 सन्स में डिवाइड करेंगे, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट अमाउंट विल ईच सन गेट, कितना अमाउंट सन को मिलेगा। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है, लुक एट द बोर्ड, टोटल मनी इज रुपीज 15 लाख, टोटल मनी इज रुपीज 15 लाख, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट इज रुपीज 56,001, सो लेफ्ट अमाउंट इज, तो लेफ्ट अमाउंट फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 माइनस 1 नहीं होगा, हम क्या करेंगे बोरो करेंगे, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 4 1, दिस इज योर लेफ्ट अमाउंट, दिस इज योर लेफ्ट अमाउंट, एंड दिस लेफ्ट अमाउंट is divided into 3 equal parts, that means ये जो left amount है ये 3 equal parts में divide होगा, 3 sons में, total number of sons है 3, total कितने son है हमारे पास 3, और इन 3 sons में हमें क्या करना है, ये जो remaining money है इसको divide करना है equal parts में, तो हम क्या करेंगे, ये जो remaining money है इसको हम क्या करेंगे divide कर देंगे 3 sons से divide कर देंगे, so we will get what amount did each son get, कितना amount जो है each son गेट, कितना अमाउंट एक सन को मिला, वन सन को मिला, सो डिवाइड करेंगे, ओके डिवाइड करेंगे रुपीज 1443999 डिवाइड बाई 3, तो हम डिवाइड करेंगे तो रफ में डिवाइड कर लेंगे, हम रफ में डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो राइट कर देंगे, तो योर आंसर इज 481,333। ओके दिस इज योर आंसर, एंड दैट मीन्स अमाउंट ईच सन गेट इज रुपीज 481,333। ओके क्लास, थैंक यू फॉर